हेलो फ्रेंड्स, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन पे ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स। तो क्या बात करने वाले हैं हम इसमें? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो बिफोर दैट कुछ चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी, तो सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये लेमा कुछ नहीं है, ये बेसिकली थ्योरम है, तो आप चाहे यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है थ्योरम और लेमा में। तो यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम क्या कहती है? कुछ नहीं कहती, वो जो पहले से आप करते आए हो ना वही कहती है। ये क्या करते आए हो कि लेट्स से आपने 15 को डिवाइड करा 2 से, तो क्या होगा, 2 7 14, और आपके पास क्या मिला, 1। ठीक है, तो अब देखते हैं थोड़ा सा यूक्लिड्स डिवीजन एलिमेंट्स पे बात करते हैं। जब भी कभी डिवीजन होगा तो यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम साफ साफ काम कर रही होगी। तो देखते हैं ये क्या है। ये बेसिकली है डिविडेंड, जिसको आप डिवाइड करते हो, है ना। तो आपने 15 को डिवाइड करा, दिस इज कॉल्ड एज डिविडेंड। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज डिवाइजर, दिस इज कॉल्ड एज क्वेश्चन्ड, है ना, इससे ध्यान रखेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड एज रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है, तो क्या होता है यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम में, वो कहता है कि डिविडेंड विल बी इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चेंट, इनटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर। बस यही है यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, ठीक है ना, वेयर जो रिमाइंडर की वैल्यू है, रिमाइंडर की जो वैल्यू है, दैट इज वो वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो या जीरो से बड़ी होगी, जीरो भी हो सकती है, जीरो से बड़ी होगी, और हमेशा छोटी होगी डिवाइजर से। बस और कुछ नहीं है, यही है यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम। कहेंगे सर हमारी क्लास में किताब में तो अलग से कुछ दिया हुआ है, कुछ बोल रहे हैं, बोलने दो ना, यही है। ठीक, ओके, अब इस थ्योरम का हम इस्तेमाल करने वाले हैं किस चीज में, दो नंबर के एचसीएफ निकालने में, ठीक है ना। तो दो नंबर के एचसीएफ निकालने में हम थ्योरम का इस्तेमाल करने वाले हैं, कैसे देखते हैं। फिलहाल जितना बोर्ड पे है उसको आप नोट कर लो, ठीक है, ओके। अब बेटा एक बात सुनो, दो नंबर है, लेट्स से मुझे दो नंबर लेने दो, लेट्स से दो नंबर मैंने लिए, कोई 124 और 24। इसका हमें क्या करना है, HCF निकालना है। कहने लगा सर ये क्या होता है, HCF होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहने लगा सर अभी हमें थोड़ा सा रिकॉल करा दो कि फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना, मैं 124 को फैक्टराइज कर रहा हूँ, 2 6 12, 2 2 4, ऐसे तो फैक्टराइजेशन आता है ना बेटा, एलसीएम बचपन में सिखाया था ना आपको। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं इसका। 31 की अगर हम बात करें तो क्या 31 किसी से किसी के टेबल में आता है, मुझे नहीं लगता। तो 31 बन जाए 31, तो 124 को हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, इट्स 2 into 2 into 31, ठीक है, ओके। 24 का हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये प्राइम होते हैं। 2 1 2 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। सो यानी कि 24 को हम लोग क्या बोलेंगे, 2 into 2 into 2 into 3, तो फैक्टराइजेशन करा हमने 24 को, यानी कि किसी भी नंबर को अगर आप उसकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो ये क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये फैक्टर्स होते हैं, ए बी सी क्या है, फैक्टर्स हैं। तो यानी कि फैक्टर समझ में आ गए। अब अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यानी कि वो फैक्टर जो इन दोनों में कॉमन हो और बड़ा हो सबसे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये मैक्सिमम ये कॉमन है,
यहाँ से देखो, तो यानी कि 2 2 जा 4 क्या है, 4 into 31, पर इसको लिख सकते हैं हम 4 into 2 into 3, सो 4 क्या है, कॉमन है, ये हाईएस्ट है ये कॉमन भी है, दिस इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 124 और 24 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो अभी हमने आपको दिखाया कि 4 आ गया, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को मैं बेटा हटा रहा हूं इस चीज को, है ना, तो अब इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग इस पर्टिकुलर यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम का इस्तेमाल करते कैसे लेके आ सकते हैं, तो मैं उसका तरीका बताता हूं आपको। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यूक्लिड्स का डिवीजन थ्योरम लगा रहे हैं या लेमा लगा रहे हैं टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 124 एंड 24। तो कैसे करना बेटा, बहुत ध्यान से देखना, जो इनमें से बड़ा नंबर है, जो इनमें से बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है उसको डिवाइड करना है आपको छोटे नंबर से। वहां से ध्यान से देखो, ये बड़ा ये छोटा, छोटे नंबर से बड़े को डिवाइड करना है, ठीक है। तो करा हमने डिवाइड, तो देखो चलाएंगे हम इसको, तो 5 टाइम्स चला दें, 5 6 20, 24 into 5 5 टाइम्स चला के देखते हैं, 10 2 20, ठीक है 5 टाइम्स चला दिया मैंने, ये कितना हो गया 120, ठीक है 4 आ गया, ठीक है। अब देखो हम इस 124 को क्या लिख सकते हैं, देखो डिवाइजर इंटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अभी रिमाइंडर जीरो नहीं आया, हमें तब तक ये काम करना है जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता, ध्यान से सुनो, अभी रिमाइंडर जीरो नहीं आया। कहने का सर हम एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, अरे यार एग्जाम में कैसे लिख देंगे, एग्जाम में ऐसे लिख देंगे, कैसे लिखेंगे एग्जाम में कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख देना, ठीक है। सो रिमाइंडर अभी जीरो नहीं आया, तो रिमाइंडर जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हम इस तरह के डिवीजन करते रहेंगे। तो अगली बार हमें डिवीजन करना है, अगली बार डिवीजन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको डिवाइजर उठाना है और रिमाइंडर उठाना है, आपको डिवाइजर उठाना है और रिमाइंडर उठाना है, देख लो अगली बार डिवाइजर और रिमाइंडर। अब डिवाइजर बड़ा है, देखो ना इन दोनों नंबर में कौन सा बड़ा है, 24 बड़ा है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 आ गया, अब आ गया, हम कोई डिवीजन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अब हम लोगों ने क्या करा, 24 को हम लिख सकते हैं 4 into 6 plus 0, जब भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब आप डिवाइजर को और रिमाइंडर का डिवीजन करना बंद कर देंगे, जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तब आप डिवाइजर को रिमाइंडर से डिवाइड करना बंद कर देंगे, रिमाइंडर से, या आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं, अगली बार बिल्कुल तरीके से लिख के दिखाऊंगा, रिमाइंडर से डिवाइड करना बंद कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल विद हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज। सो अभी क्या हुआ कि रिमाइंडर 0 आ गया, तो जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो लास्ट स्टेप में जो भी डिवाइजर होगा, यानी कि लास्ट स्टेप में जब रिमाइंडर 0 आ जाए, है ना, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो लास्ट स्टेप में डिवाइजर ही एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। तो 124 एंड 24 का जो एचसीएफ है वो 4 होगा, हमने आपको पहले भी करके दिखाया था। तो बेटा आप समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए, एक दो क्वेश्चन और कर लें, एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल आप वीडियो को पॉज करके इसको पूरे को नोट करेंगे, फिर हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा ये। अब स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है ना, तो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे, एक मैं करूंगा एक आप करोगे, ठीक है। अच्छा इसमें हमें एच सी एफ निकालना है ना, तो इन दो नंबर का हमें एच सी एफ निकालना है, ठीक है। अभी एच सी एफ आपको बताया है मैंने क्या होता, तो यहाँ पे बात की गई यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम अभी बात करते हैं एल्गोरिदम पे, फिलहाल एल्गोरिदम की जगह आप
ये समझो कि यहाँ यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम जो अभी हमने पीछे पढ़ी है ना उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। एल्गोरिथम पे बाद में आएंगे, क्या कह रहा है एल्गोरिथम, कुछ नहीं है वो, ठीक है, बस आपको भ्रमित कर रखा है। चलो जी, इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो बड़ा नंबर कौन सा है बेटा? 225। छोटा नंबर 135। तो बड़े नंबर को डिवाइड करोगे आप छोटे नंबर से, ठीक है, कितनी बार चलेगा? एक बार चला 135, यहाँ पे आ गया 0 और 9 90, ठीक है। तो डिविडेंड ध्यान से करो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर। अरे यार ये वाली बात लिख दे रहा हूं मैं, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर, है ना, जिससे कि कोई बच्चा भूल ना जाए, ठीक है, ठीक है। तो ये रिमाइंडर था, ये क्वेश्चेंट था, क्वेश्चेंट को मैं क्यू से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। देखो डिविडेंड को मैं ए से डिनोट करूंगा, डिवाइजर को मैं बी से डिनोट करूंगा, क्वेश्चन को मैं क्यू से डिनोट करूंगा और रिमाइंडर को मैं आर से डिनोट करूंगा। तो ये क्या है, ये आर था, ये क्यू है, ये आपका ए है और ये बी है, ठीक है। तो ए बड़े वाला नंबर है, ठीक है, ओके, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर जीरो नहीं आया है, रिमाइंडर जीरो नहीं आया है। इसका मतलब फिर से हम स्टेप्स रिपीट करेंगे, क्या लेंगे, डिवाइजर, डिवाइजर लेते हैं, डिवाइजर लेते हैं और रिमाइंडर लेते हैं, डिवाइजर लेते हैं और रिमाइंडर लेते हैं। तो अगली बार डिवाइजर और रिमाइंडर को डिवाइड करना है, तो इसका मतलब डिवाइजर बड़ा है, तो डेफिनेटली क्या करेंगे हम, 90 से डिवाइड करेंगे 135 को। चेक करो, डिवाइजर और रिमाइंडर को डिवाइड करना है तो 135 बड़ा है, सो इसको भी एक टाइम चलाएंगे, 90, ये हो गया 5 और ये 4, ठीक है, सो एक टाइम चलाया, यहाँ पे चलाया, ठीक है, ओके, अगेन से फिर से लिखेंगे। चलो अरे यार वो मैं मिटा दिया, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ठीक है। तो डिविडेंड क्या है यहाँ पे, ये है डिवाइजर है ये, ठीक है, ये है क्वेश्चन, ये द्वारा मैंने इसलिए बता दिया है कि किसी बच्चे को पता ना चल रहा हो तो अब पता चल जाएगा फिर से, अगली बार नहीं लिखूंगा बेटा मैं, ठीक है। तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, अगेन रिमाइंडर बेटा जीरो नहीं आया है, रिमाइंडर जीरो नहीं आया है, ठीक है। फिर से बात करते हैं अब के, फिर क्या लेंगे, डिवाइजर लेंगे और रिमाइंडर लेंगे, ठीक है। तो डिवाइजर बड़ा है, रिमाइंडर छोटा है, और वैसे भी आपको पता ही है कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। तो 45 टू जा 90, ओ माई गॉड, रिमाइंडर जीरो आ गया, ठीक है। तो यानी कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर जीरो आ गया। जैसे ही रिमाइंडर जीरो आया, ये लास्ट स्टेप हो गया। लास्ट स्टेप में जो भी आपका डिवाइजर होता है, जो भी आपका डिवाइजर होता है वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। किसका, जो नंबर हमने लेके चले थे 225 और 135। आगे बेटा सबको, ठीक है, क्लियर है, ओके। अच्छा बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से क्या सुनेंगे कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो तो थोड़ी देर के लिए इस स्टेप को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इस स्टेप को भूल जाओ, भूल गए। अब क्या कहोगे, अब आप कहोगे कि सर डिविडेंड ये है, डिवाइजर ये है, डिविडेंड ये है, डिवाइजर ये है, ठीक है। तो सर हम कह सकते हैं कि ये जो 45 है, भाई मान के चलो ना, मान के चलो प्रोसीजर यहां से स्टार्ट ही ना होता, प्रोसीजर यहां से स्टार्ट होता, यानी कि हम कह रहे थे कि एचसीएफ आप इसका इसका नहीं,
एच सी एफ आप निकालो 135 और 90 का, तो भी आप स्टेप यहां से शुरू करते ना, तो इसका मतलब क्या होता कि फिर से एच सी एफ 45 ही आता। मतलब समझो, अगर मैं आपसे कहता कि भैया एच सी एफ 135 225 का नहीं चाहिए हमें, हमें 135 और 90 का चाहिए, तो हम ऐसे स्टार्ट करते, और ऐसे स्टार्ट करते तो लास्ट स्टेप फिर से यही आता, यानी कि फिर से डिवाइजर 45 ही आता, यानी कि फिर से एच सी एफ जो है 135 और 90 का 45 ही आता। तो यानी कि एच सी एफ ऑफ 225 135 हो, चाहे एच सी एफ ऑफ 135 और 90 हो, या फिर उससे अगला स्टेप कौन सा है, उससे अगला स्टेप क्या है, उससे अगला स्टेप है 90 और 45, या फिर एच सी एफ ऑफ 90 और 45 हो, हर केस में 45 ही एच सी एफ रहेगा। ठीक है बेटा, समझो ना, समझो। मान के चलो मैं कहता ये भी नहीं निकालना आपको, एच सी एफ ऑफ 90 एंड 45 निकालना है, तो आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आप जो है सीधा यहां से करते हैं, पहली बार में रिमाइंडर जीरो आ गया, पहली बार में रिमाइंडर जीरो आ गया, तो यही लास्ट स्टेप हुआ 45 जो है डिवाइजर पे, तो यानी कि यही आपका एच सी एफ हो गया। तो यानी कि एच सी एफ ऑफ चाहे ये कहो चाहे ये कहो चाहे ये कहो, सारे ही 45 रहेंगे। तो इसलिए आपने देखा हमने कैसे करा, आपने देखा क्या कि जितने भी स्टेप्स हैं उनके डिविडेंड और डिवाइजर्स, ठीक है ना, सबका एच सी एफ 45 ही रहेगा। ठीक है, सबका एच सी एफ 45 ही रहेगा। तो यानी कि अब मैं इसको फिर से दोबारा से कर दूं, दोबारा से कर दूं, यानी कि अगर मैं 2225 इज इक्वल्स टू 135 और कितना 1+90 चला था, ये है ना, कितना चला था, 90 चला था या क्या चला था, हाँ यही चला था, है ना, रिमाइंडर जीरो नहीं आया था, रिमाइंडर जीरो नहीं आया था, फिर उसके बाद हमने जो है 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1+45 करा था, तब भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया था। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने फिर 90 और 45 वाला स्टेप्स ले लिए थे, ठीक है ना, और तब रिमाइंडर जीरो आ गया, तो यही लास्ट स्टेप हो गया। तो यानी कि जितने भी इस पूरे क्वेश्चन में जितने डिविडेंड डिवाइजर हैं, जितने डिविडेंड डिवाइजर हैं, जितने डिविडेंड डिवाइजर हैं, सबका ही एच सी एफ 45 बैठेगा। ठीक है ना, ये आपको मैंने करके दिखा दिया। अब बात करते हैं एल्गोरिदम क्या था। एल्गोरिदम कुछ नहीं होता, एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, एल्गोरिदम कोई ऐसा नहीं है कि मैथ्स में यहीं पे इस्तेमाल किया। एल्गोरिदम आप देखेंगे आर डी शर्मा में, पता नहीं कितने एल्गोरिदम हर क्वेश्चन में दिया होता है। एल्गोरिदम होता है कुछ नहीं, एल्गोरिदम का मतलब होता है सीरीज ऑफ स्टेप्स, कि भाई इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का मतलब होता है कि आपको यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम बार बार लगाना है, किस तरीके से लगाना है वो हमने बता दिया, उसी को ही वो एल्गोरिदम कह रहे हैं। ठीक है ना, तो कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह दी उन्होंने। ठीक है, चलो जी बेटा, अब हमने ये कर लिया। अब आप अपने आप से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन से वाला, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, अपने आप से, है ना। मैं आपको वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, चलो ठीक है, तो देखते हैं बड़ा नंबर कौन सा, ये छोटा नंबर, ये तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे, तो कितना टाइम चलेगा, 3 times चलेगा, है ना, इतना पता चल जाता है। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि 3 times चलेगा, आप एक डिजिट इसकी काट दो, एक डिजिट इसकी काट दो, आप देखो 25, 3 जा 75, है ना, तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कैसे पता चलता है, ऐसे पता चल जाता है, एक लास्ट डिजिट काट के चेक कर सकते हैं हम, है ना। ओके, तो 20 ये 3 times चला दो, 3, 5 जा 15, 1, 3, 5 जा 15, 1, 16, 1, 3, 6 और 1, 7। ठीक है, तो अब क्या करोगे, 7 में से 5 गेट 2, 6 में 6 गेट 0, 8 में 7 गेट 1, 0, 2। ठीक है, ओके, अब रिमाइंडर हमारा ये आ गया, है ना, दिस इज रिमाइंडर। ओके, तो 867 इक्वल टू 255, देखो ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चेंट, क्वेश्चेंट क्या है हमारा, यही है ना क्वेश्चेंट, 3+ रिमाइंडर, रिमाइंडर जीरो नहीं आया है, क्या करेंगे, डिवीजन फिर से करेंगे, किसका करेंगे, इसका और इसका। ठीक है, करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि व्हाट वी डू,
वी टेक डिवाइजर एंड रिमाइंडर अगेन, डिवाइजर और रिमाइंडर को हम लोग फिर से ले लेते हैं, किसके लिए, डिवीजन प्रोसेस के लिए, फॉर डिवीजन प्रोसेस, है ना। किसी बच्चे ने, देखो बच्चों आप इसको मत ले लेना, मैं क्या कह रहा हूं, जो पहले स्टेप में डिवाइजर और रिमाइंडर है उसको अगेन लेना है, है ना, क्वेश्चन को मत ले लेना। तो अब आप बड़ा नंबर कौन सा है, 255, ठीक है, तो 255 को आप डिवाइड करेंगे किससे, छोटे नंबर से, 102, दो बार चलेंगे तो ये अगर 204, यहाँ पे आ जाएगा 51, तो ये कितना हो गया, 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका डिवाइजर, ये रिमाइंडर है, ठीक है, तो रिमाइंडर फिर से क्या हो गया, रिमाइंडर अगर आप देखें, रिमाइंडर फिर से जीरो नहीं आ रहा है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या करेंगे, फिर से डिवीजन करेंगे, फिर से डिवीजन करेंगे तो क्या लेंगे, डिवाइजर और रिमाइंडर का डिवीजन अलग अगेन लेंगे, ठीक है, तो कितना होगा, 102, बड़ा नंबर ये, छोटा नंबर 51, डिवाइड करेंगे दो बार में पूरा कट गया, रिमाइंडर आ गया जीरो, तो इसका मतलब क्या है कि 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस जीरो, बस रिमाइंडर आ गया जीरो, बात खत्म हो गई। बात जैसी खत्म हुई तो हमारे पास लास्ट स्टेप ये हुआ, लास्ट स्टेप में डिवाइजर क्या है, लास्ट स्टेप में डिवाइजर क्या है बेटा, 51 है, चक्रो ना, तो लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर है वही क्या है, HCF है, किसका, वो तमाम जितने भी डिविडेंड एंड डिवाइजर हैं, 867 एंड 255 का। नेक्स्ट स्टेप में कितने डिविडेंड डिवाइजर थे, ये डिविडेंड और डिवाइजर था, यानी कि HCF ऑफ 255 एंड 102, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में HCF ऑफ 102 एंड 51, तो जितने भी डिविडेंड डिवाइजर होते हैं वो लास्ट स्टेप वाले डिवाइजर सबका HCF होता है, जितने भी डिविडेंड और डिवाइजर होंगे, डिविडेंड और डिवाइजर होंगे उन सबका HCF क्या है, चेक करो, 867 और 255 का भी 51 ही है, 255 और 102 का भी 51 ही है, 102 और 51 का भी 51 ही है, सबके HCF यही है, तो समझ में आ गया बेटा HCF आपको, ओके, बस कुछ नहीं करना एक्सरसाइज में यही क्वेश्चंस करते रहने आपको, ठीक है, RSRD में जाओगे और कुछ नहीं करना होगा, ऐसे ही बहुत सारे तमाम तरह के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, करते रहना और पक्का हो जाएगा। चलो जी, अब इस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को हमने सीख लिया, इससे निकाल लिया हमने HCF, इसमें कुछ और तरह के क्वेश्चंस भी हैं, NCERT के एग्जांपल्स करते हैं। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2 है ये NCERT का, तो बेटा क्वेश्चन को पहले पढ़ो, सबसे पहले तो पढ़ना आना चाहिए, और क्वेश्चन के पढ़ते समय एक एक वर्ड जो दिया हुआ है इस सेंटेंस में वो समझ में आना चाहिए। तो कहते हैं शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, इंटीजर फील होता है, बिना पॉइंट वाले सारे नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, पहली चीज, पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, कह रहा है एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो इवन कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो यानी कि नेचुरल नंबर में भी 2 से डिवाइड होने वाले कौन से नंबर्स हैं, ये, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इज ऑफ द फॉर्म 2q, कहते हैं कि ये सारे नंबर किस फॉर्म के होने चाहिए, 2q फॉर्म के होने चाहिए, बात करते हैं आगे किस तरीके से शो करेंगे, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कौन से हैं, ये वाले हैं, तो ये क्या है, ये 1, 3, 5, 7 ये ऑड इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है, और ये वाले कौन से हैं, 2, 4 एंड 6 ये है पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, ठीक है, तो कहता है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जितने हैं उन्हें हमें 2q प्लस 1 फॉर्म शो करना है, और पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को 2q फॉर्म में शो करना है, वेयर क्यू इज सम इंटीजर, क्यू भी एक कोई बिना पॉइंट वाला कोई भी नंबर हो सकता है। कैसे शो करेंगे बेटा, बहुत ध्यान से देखेंगे, वैसे तो बहुत सारे बच्चे इसको रट लेते हैं, बट फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तो काफ़ी हद तक आपको समझ में आएगा, इनफैक्ट पूरा ही समझ में आएगा। देखो जी बात करते हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेते हैं ना, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेते हैं, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कौन से लिए हमने, 2, 4, 6, 8 एटसेट्रा, है ना, एंड सो ऑन। अब एक बात सुनो, अगर आप 2 को डिवाइड करते हो 2 से,
ध्यान से करो, 2 को डिवाइड करते हो 2 से, ठीक है, तो 2 1 2 रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। अब आप 4 को डिवाइड करते हो 2 से, तो 2 2 4 2 2 4 रिमाइंडर अगेन 0 आ गया। फिर आप 6 को डिवाइड करते हो 2 से, बहुत ध्यान से देखते रहना, 2 3 6 रिमाइंडर 0, यानी कि इन सारे नंबर्स को मैं क्या कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं। 8 को डिवाइड करता हूं 2 से, 2 4 8 0। तो क्या आपने एक चीज देखी, इन सबको मैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड्स डिवीजन जो थ्योरम है उससे, अगर मैं इसको डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में लिखूं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर, ध्यान से देखो ना मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। 6 को मैंने क्या लिखा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर। 8 को मैंने क्या लिखा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर। तो क्या आपने क्या कंक्लूड किया यहां से, क्या कंक्लूड किया, कंक्लूजन क्या निकला, कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं, वो किस फॉर्म के हैं, चेक करो ध्यान से देखो ना, 2 सब में सेम है, 2 सब में सेम है, सिर्फ यहां पे कुछ नंबर चेंज होता है, उस नंबर को मैंने कह दिया क्यू, क्योंकि इसने कहा क्यू कोई भी नंबर हो सकता है, क्यू कोई भी नंबर हो सकता है, यहां पे कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, क्यू कोई भी नंबर हो सकता है प्लस 0। और क्या मैं 2Q+0 को 2Q फॉर्म में लिख सकता हूं, तो कहता है कि जितने भी हमारे पास पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं वो 2Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आई बेटा, इतना आप नोट करेंगे, ठीक है, इतना आप नोट करेंगे, ओके। मैं यहां से इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है, आगे फर्दर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, है ना। आप कहेंगे सर एग्जाम में हम ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो बेटा, क्या दिक्कत है, ऐसे करो, नंबर कटेंगे, मैं हूं जहां पे, जिस शहर में जिस स्कूल में होंगे वहीं आ जाऊंगा, ठीक है। वो टीचर हमें भी तो बताए ना फिर कैसे दिखाएंगे बच्चों को, क्या जो थ्योरी दी गई है एग्जाम में, जो एनसीईआरटी बुक में, उसको रटना है क्या, समझो पहले, ठीक है। अब बात करते हैं, ये पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हमने दिखा दिए किस फॉर्म में होते हैं, अब हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को दिखा रहे हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को दिखा रहे हैं, कैसे होते हैं, 3 है ना, स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 3 5 7 9 है ना, एंड सो ऑन। चलो जी वही काम, 2 से डिवाइड करते हैं, 1 को डिवाइड करोगे नहीं चलेगा, 0 1 2 0 0, ठीक है ना, 1 रिमाइंडर, ठीक है। 3 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 1 2 3 में से 2 गया 1। 5 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 2 4 1 रिमाइंडर, ठीक है। 7 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 3 6 रिमाइंडर 1। 9 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 4 8 रिमाइंडर 1। अब ध्यान से देखो, कुछ नहीं कर रहा हूं, डिविडेंड यार, यूक्लिड्स डिविजन थ्योरम, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना, रिमाइंडर। तो कैसे करेंगे, डिविडेंड क्या है यहां पे, 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 1। 3 को लिख रहे हैं 2 इंटू 1 प्लस 1। 5 को लिख रहे हैं 2 इंटू 2 5 को लिख रहे हैं डिवाइजर इंटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर। 7 को लिख रहे हैं डिवाइजर इंटू क्वेश्चेंट, डिवाइजर इंटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर। 9 इस वाले डिवीजन में लिख रहे हैं, दिस इज डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चेंट इज 4 प्लस रिमाइंडर 1। तो क्या आपने देखा कि जितने भी हमारे पास, कंक्लूजन क्या निकलेगा कि भैया जितने भी हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं,
पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं, उन सभी के सभी में हमने क्या देखा कि ये टू सम में सेम रहता है, इनटू सम नंबर होता है, वो जीरो से लेके वन टू थ्री फोर कुछ भी हो सकता है, इसको हमने क्यू कह दिया, प्लस हमेशा प्लस में वन रहता है, वेयर क्यू इज सम इंटीजर, सम इंटीजर का मतलब क्यू बिलोंग्स टू जेड, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज सम इंटीजर, कुछ भी हो सकता है वो, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन कुछ भी है ना, यहाँ पे क्यू कोई भी इंटीजर रखोगे आपको हमेशा टू क्यू प्लस वन क्या देगा, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर देगा, तो इस तरीके से हमने शो कर दिया, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और इसी तरीके से आप एग्जाम में शो भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल में, दो एग्जाम्पल और करेंगे फिर हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज। बिफोर दैट फ्रेंड्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं इसको, कहते शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। ओके, तो वैसे ही क्वेश्चन बिल्कुल एग्जांपल नंबर 2 जैसा। एक बात तो हमारे सारे स्टूडेंट्स ये समझ गए होंगे कि सर 4q प्लस 1 को देख के एक बात तो समझ में आ गई कि आपका 4 डिवाइजर है। सर अभी पीछे क्वेश्चन किया है, ठीक है, तो एक बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है, चलो नहीं भी समझ में आए मान लेते हैं, ठीक है। कहता शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर बेटा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर 1, 3, 5, 7 व्हाट 9, 11, 13, 15, 17, 19 बस यही तो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स एंड सो ऑन। ओके, तो जितने पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं हमें शो करना है कि वो इस फॉर्म में होते हैं 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 की फॉर्म में, ठीक है। देखते हैं, चेक करते हैं, डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, इन सब नंबर्स को 4 से डिवाइड करते हैं। क्यों कर रहे हैं 4 से डिवाइड, तभी हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ सकते हैं, ठीक है ना। 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, तभी हमारे पास ये एक्सप्रेशन, देखो ना ये क्या है, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर फॉर्म है ना, तो तभी हमारे पास आ सकते हैं जब हम डिवाइजर क्या लेंगे, 4 लेंगे, 4 को यानी कि 4 इंटू 0 0 ये हो गया 1। ओके, 3 को डिवाइड करते हैं 4 से, अगेन क्या होगा 0 0 यहाँ रिमाइंडर 3। 5 को डिवाइड करा 4 से, 4 वन जा 4 1, 4 से डिवाइड करा हमने 7 को, 4 वन जा 4 3, 9 को डिवाइड करा हमने 4 से, 4 टू 8 1, ठीक है, 11 को हमने डिवाइड कर दिया 4 से, 4 टू 8 यहाँ लिख देते हैं 3, और लास्ट नंबर लेते हैं 13, 4 से डिवाइड करा तो 4 टू 12 1, ठीक है ना। और आगे के नंबर नहीं लेते हैं ना क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो यहीं तक ही लेते हैं। अरे यहाँ तक ले लिया, बात वही है ना यार, सब पे ले लिया फिर हमने, ठीक है। ओके, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हर नंबर में डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्म लिखने वाले हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। ओके चलो, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड, बहुत ध्यान से देखेंगे। अच्छा मैं एक काम कर रहा हूं, एक यहां तक लिखा ना हमने, ये नंबर मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस 3, ठीक है, यानी कि जब जब 3 रिमाइंडर आ रहा है तब उन वालों को एक तरफ लिखेंगे, जब जब 1 रिमाइंडर आ रहा है तो उन वालों को एक तरफ रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 3, फिर हम वहाँ पे लिखेंगे, देखो ना यहाँ तक हो गया ना, वहाँ तक देखेंगे 9 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 1, फिर 11 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 3, एंड 13 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 1, लेट्स से 15 को भी डिवाइड कर लेते 4 से, तो क्या होता 4 3 12 3, यानी कि 15 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 3, ठीक है ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके बेटा, क्या कंक्लूजन निकाला आपने,
कंक्लूजन क्या निकालना कि भाई पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो हैं, ठीक है, उसमें या तो फोर, देखो फोर सब में सेम है ना, फोर इंटू लेट्स से ये नंबर चेंज कर रहा है, ये नंबर चेंज कर रहा है, तो ये वेरिएबल को हमने क्यू कह दिया है ना, वेयर क्यू बिलोंग्स टू सम इंटीजर, या फिर वो कह सकते हैं कि वेयर क्यू इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, एट्स एंड सो ऑन। तो फोर इंटू क्यू, देखो इन सब नंबर्स में देखो फोर, अरे देखो ना फोर सेम है सब में, इंटू ये नंबर चेंज होता है, वो नंबर मैंने बता दिया कि भाई क्यू हो सकता है, ये नंबर कुछ भी हो सकता है क्यू प्लस वन। तो या तो 4 इंटू क्यू प्लस 1 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स या तो इस फॉर्म में होते हैं, 1, 5, 9, 13 देखा हमने किस फॉर्म में हो सकते हैं, 4 इंटू क्यू प्लस 1 की फॉर्म में, या फिर अगर आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, ये वाले नंबर किस फॉर्म में है, 4 इंटू क्यू प्लस 3 फॉर्म में, ठीक है ना। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या होंगे, या तो 4 क्यू प्लस 1 फॉर्म में होंगे या 4 क्यू प्लस 3 फॉर्म में होंगे। वे क्यू क्या है, क्यू की जगह आप कुछ भी नंबर लिखते रहो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी है ना, तो फिर क्यू इज सम इंटीजर, इस बात को हम लिख देंगे, वेयर क्यू इज सम इंटीजर, कुछ भी बिना पॉइंट वाला कोई भी नंबर हो सकता है, वेयर क्यू इज सम इंटीजर, ठीक है, क्यू इज सम इंटीजर, बिना पॉइंट वाला कोई भी नंबर हो सकता है। ओके ओके ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4 पे स्टूडेंट्स, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये HCF की वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे तो इनको रट लेते हैं कि यार इस क्वेश्चन में ये करना है ना, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ये काम करते हैं, बट अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता नहीं चलेगा, और इसी वजह से वो आपके नॉलेज को चेक करने के लिए एक नया क्वेश्चन देते हैं, एंड दैट इज व्हाई यू आर रिकमेंडेड कि आपको एक्स्ट्रा बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, लाइक आरएस अग्रवाल इज अ गुड बुक, ठीक है। ओके, तो फिलहाल ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको समझते कैसे है ना, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, आपको ऐसे ही सोचना है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अब एक बात सुनो, देखते हैं, कहता है कि सारी इन्फॉर्मेशन नोट करेंगे, कहता है स्वीट सेलर हैज 120 काजू बर्फीज, तो 120 काजू बर्फीज हैं, ठीक है, एंड 130 बादाम बर्फीज हैं, ठीक है ना, ओके, शी वांट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक, अब बहुत ध्यान से देखेंगे, हलवाई है तो एक ट्रे में स्टैक लगा रहा होगा, बर्फियों को लगा रहा होगा, तो कह रहा है शी वांट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, इस वाली बात का मतलब समझो है ना, बहुत बहुत प्यार से मतलब समझो कि एक ट्रे है और उस ट्रे में वो बर्फी लगा रहा है, ठीक है ना, वो बर्फी लगा रहा है, तो कह रहा है कि इस तरीके से उसने बर्फी लगाना शुरू करा, ठीक है, तो कह रहा है शी वांट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर, तो इस तरीके से जितनी भी बर्फी लगा रहा है ना, वो जितनी भी बर्फी लगा रहा है सब में समान सेम नंबर ऑफ बर्फीज होनी चाहिए, हर लाइन में सेम नंबर ऑफ बर्फी होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये काम नहीं होगा, सब में सेम नंबर ऑफ बर्फीज होंगी, ठीक है, सेम नंबर ऑफ बर्फीज होंगी, ये वाली बात समझ में आ गई, एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, और वो ट्रे का कम से कम एरिया लें, कम से कम एरिया, अब एक बात तो बताओ, यहां पे इतनी जगह खाली पड़ी है और हम बर्फी बढ़ाए जा रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है ज्यादा एरिया लेगी ना, तो क्या करेंगे, हमको जितना मैक्सिमम हो सके लाइन को पूरा भर देना है, ट्रे की जगह खाली नहीं छोड़नी है, जिससे कि वो सारी बर्फीज कम से कम एरिया ऑफ ट्रे में आ जाएं, ठीक है, ओके, तो शी वांट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर, अब मुझे नहीं पता ये एक लाइन में कितनी बर्फी आई, मुझे नहीं पता, लेट्स से मैंने कह दिया भाई एक्स नंबर ऑफ बर्फी एक लाइन में आई है, ठीक है, अब इधर कितनी लाइंस आ जाएंगी ये भी मेरे को नहीं पता कि इधर इस तरह से हॉरिजॉन्टली कितनी लाइन बैठ जाएंगी, ठीक है ना, लेट्स से मैंने कह दिया वाई नंबर ऑफ लाइंस बैठ जाएंगी, तो एक्स नंबर ऐसे वाई नंबर ऐसे, क्योंकि 120 काजू बर्फी हैं, तो इट विल बी इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ठीक है ना, अब हमने बादाम बर्फी रखनी शुरू कर दी स्ट्रे में, अब बादाम बर्फी भी क्योंकि एक लाइन में उतनी ही आएंगी है ना, एक्स ही आएंगी, ये भी एक्स ही आएंगी, अब बादाम बर्फी की कितनी लंबाई बैठेगी, यानी कि कितनी लाइंस ऐसे बैठेंगी, वो हमें पता नहीं कि भाई कितनी लाइंस बैठेंगी, हमने कह दिया लेट्स से जेड,
है ना, ऐसे करके जेड लाइंस है, बात समझ रहे हो आप, ऐसे करके जेड लाइंस इस तरीके से बैठ गई, ठीक है ना, भर देना यार इसको, है ना, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है, इसको पूरा भर दो। तो यानी कि टोटल बादाम बर्फी 130 है, तो भैया ऐसे x बैठ रही है और ऐसे z बैठ रही है लाइन, ऐसे एक लाइन में x बर्फी है और टोटल लाइंस कितनी है, z है, तो 130 बराबर कितना होगा x into z। तो अब हमसे पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक, हर स्टैक में वो नंबर क्या है जो हर स्टैक में आप बर्फी रख रहे हो, हर स्टैक में कितनी बर्फी रख रहे हो, वो नंबर पूछा जाए आपसे। तो इसका मतलब सिंपली आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है ये x, ठीक है। अब एक बात सुनो, x है क्या, बहुत ध्यान से देखना, x 120 का एक फैक्टर है, x 130 का भी एक फैक्टर है, x क्या है, दोनों में कॉमन है, x क्या है, वो मैक्सिमम नंबर जो यहां पे हम रख सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज एक ट्रे में, तो यानी कि x कॉमन है, x फैक्टर है और x मैक्सिमम है, तो x क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना मेरे भाई, तो ये समझाना था बस आपको, उसके बाद कुछ नहीं। मान लो मैं ये सब ना बताता आपको, सीधा कहता भैया 120 और 130 का एचसीएफ निकाल लो, तो भी आप क्वेश्चन कर देते, लेकिन समझो तो x हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सो वी हैव टू फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ 120 एंड 130, करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा के, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, देखो तीनों बात एक ही है, यूक्लिड्स डिवीजन कभी लेमा बोल दिया, लेमा यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम बोल दी या एल्गोरिदम बोल दिया, बात हमें हर जगह वही सेम काम करना है, ठीक है ना, एचसीएफ निकालने के लिए हमें सेम काम करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो बड़ा नंबर क्या है 130, छोटा नंबर 120, डिवाइड करेंगे, ठीक है, 130 कितना हो जाएगा ये 120 10 आ गया, तो 130 इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, जीरो नहीं आया रिमाइंडर, रिमाइंडर जीरो नहीं आया, फिर से डिवीजन करेंगे किसका, डिवाइजर और रिमाइंडर का, तो क्या है बड़ा नंबर 120 है, तो 120 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो 10 12 टाइम्स चलेगा जीरो, सो इट विल कम आउट 120 बराबर डिवाइजर इंटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर जीरो आ गया, यही अपना लास्ट स्टेप है, यही लास्ट स्टेप है, तो लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर होता है, लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर होता है, बेटा गलती मत कर देना, लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर होता है वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यानी कि एचसीएफ ऑफ 120 एंड 130, एचसीएफ ऑफ 120 एंड 130 अगर आपके पास 10 आ गया, तो यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया हर स्टैक में, इन ईच स्टैक शुड कंटेन 10 बर्फीज, शुड कंटेन 10 बर्फीज, ठीक है, बस हो गया। चलो बढ़ते बेटा एक्सरसाइज पे, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।